आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू है मावरा फॉर देट क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को बस ये लगता है कि um, uh, थोड़ा सा मेरा भी थॉट प्रोसेस हो गया um, आपने जो बात की ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आती है जब आप लोग चीज़ें शेयर करते हैं जैसे आप हैं आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं जी यू नो यू गॉट इन अ डिग्री फिर आपने उसके बारे में बात की जी. तो अब हम ये देख रहे हैं एक लड़की है जो पढ़ रही है डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल्स जो आपने शेयर भी किया हुआ है बहुत जगह जिसना आप बाल बना रहे कोई और नीचे आप अपने नोट्स याद करिए और अब आप उसके साथ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं तो यू you नो know, एक वो आती है रिस्पेक्ट आती है एक मोर डेप्थ आ जाती है कि यार ये दीज आर पीपल जिनकी और पर्सनालिटी भी है नॉट जस्ट कि हम टीवी पे जो ग्लैमर देख रहे हैं सो आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि आप लगी हुए हैं आप जा रही हैं और अब रिसेंटली आपने जैसा खुद भी बताया कि आपके प्रोजेक्ट्स की चॉइस भी अब बड़ी यू नो कॉन्शियस हो गई है, सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस एड्स और जो लोग सुन रहे होंगे उनको और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी इससे गाइड बिल्कुल ले सकते हैं तुम्हारी इंग्लिश उर्दू कभी खराब हो जाए <laughs> अच्छा मुझे ये बताएं आ, फैन रिएक्शन कोई शेयर करें शुरू शुरू में जब आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया कोई मज़े की बात है जो शेयर कर सकती हैं एक मेरा प्रोजेक्ट था एक तमन्ना ला हासिल सी उसमें मेरे पे बहुत बहुत जुल्म होता था और बस सब मुझे मारते रहते थे और बस बहुत जुल्म होता था और वो इतना जुल्म था कि तब मुझे समझ नहीं थी कि मैं वॉट एम आई डूइंग ऑन स्क्रीन बस सीख रही थी मैं सबाह हमीद थी उसमें फहद मुस्तफ़ा थे उसमें मैं एक दिन एयरपोर्ट से आई वॉज़ ट्रेवलिंग बैक टू इस्लामाबाद और एक बहुत ही बूढ़े से अंकल मुझे उन्होंने रोका और वो बहुत रोने लगे और मेरा उस प्रोजेक्ट का नाम था नादिया mm -hmm. तो वो मुझे कह रहे नादिया बेटा अपने लिए आवाज़ किस तरह उठाओगी एंड ही वाज लिटरली क्राइंग लाइक मतलब एक्चुअल में वो रो रहे थे और मैंने कहा अंकल नहीं वो सब ड्रामा है वो सब शूटिंग है ऐसा नहीं है अंकल कह रहे नहीं बेटा थप्पड़ मत खाओ थप्पड़ वापस मारो so और मैंने कहा नहीं नहीं अंकली और वो अंकल बेचारे इतने उदास लग रहे थे मैंने बहुत कोशिश की उनको कन्विंस करने uh -huh. की कि वो रियलिटी नहीं है बट नहीं।, uh, नहीं वो नहीं माने वो बहुत दुखी होता है ना कि कोई आपके व्यूअर्स आपके साथ इतने हाँ साथ कितना अटैच है कैसा फील होता है उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि कितने इम्पैक्टफुल होते हैं आप लोगों के कैरेक्टर्स आई थिंक उस वक्त पे तो क्योंकि मैं खुद भी यू you नो know, नया नया आई वॉज यू नो बिकमिंग एन एक्टर कोई आपको पहचाने आपके साथ पिक्चर्स लेने का बोले बहुत बड़ी बात अभी भी है लेकिन उस वक्त वो आ, बस वो कुछ और थी क्योंकि आप नया नया इंट्रोड्यूस हो रहे थे उस चीज से तो वो अंकल जब रोए तो मैंने तो सब अपने दोस्तों को सबको बताया कि यार इतना एक अंकल हाँ मैंने कहा देखो मेरी वजह से हाँ। वो अंकल बेचारे रो रहे थे सॉरी टू दैट अंकल आई नो एवरेज इज सेलिब्रेटिंग अ सक्सेस व्हाट अंकल्स थिंकिंग हां एंड नाउ आई फील कि जब uh, जिस तरह सब बात मुझे लगता था कि कराची लाहौर में लोग ज़्यादा आपके पास अप्रीशिएट करने आते हैं और ज़्यादा प्यार देते हैं और इस्लामाबादीज़ जो हैं वो थोड़ा आपकी भी कम्फर्ट का ख़्याल करते हैं और थोड़ा सा लेडबैक है इन अ वे कि उस तरह से उठ के नहीं आते वेव कर देंगे स्माइल दे देंगे या दूर से बस दिल जस्ट लुक एट यू बट जब एयर हो रहा था और पोस्ट कोविड जब मैं बाहर जाना शुरू हुई तो द काइंड ऑफ रियक्शन आई रिसीव फॉर सबात फ्राम इस्लामाबाद इट वॉज वेरी ओवरवे वो लोग जो कि मेरे दोस्तों के दोस्त हैं क्योंकि इस्लामाबाद बहुत छोटी जगह है तो सब किसी ना किसी तरह एक दूसरे को जानते हैं तो वो लोग आपके पास उठ के आए स्पेश मेक दफर्ट टू से हमने सबात देखा है और यू नो बहुत हमें हमने इंजॉय किया है सो वो मेरे लिए एक फ्रेश आई uh, नो yeah, yeah. बहुत अच्छा लगता होगा बहुत खुशी होती है हो। अच्छा मामा मैंने जैसा आप अपने तौर पे कुछ कोशिश कर रही हैं मैंने भी कुछ जहन में सोचा है कि इंटरव्यूज़ में हम एक दो टॉपिक से बात करें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में उन पर बातें नहीं होती हैं या हमारी सोसाइटी में कुछ सब्जेक्ट्स तो टाबू हैं या उनकी परसैप्शन है ख़ास किस्म की है जी. आप लोग आप लोगों से लोग इन्फ़्लुंस uh, होते हैं आप लोगों को देख के सोचते हैं या जब आप लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं तो एक तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो ये हमारी भी एक जर्नी एक एफर्ट है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करें तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछने लगी हूँ विच आर नॉट रियली यू नो अप्लीकेबल टू योर पर्सनल लाइफ आई एम नॉट सेंगे दिस इज हैपनिंग टू है बट गिवन योर सिचुएशन इट कुड बी दैट ऑल्सो जैसे पहला टॉपिक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जब भी औरत अगर किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले मोहब्बत में इजहार करने का प्रपोज करने का या कुछ भी तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसको लुक डाउन ही किया जाता है या कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं या सोचते हैं कि बहुत डिस्परेंट यू नो मुझे लगता है बहुत सी औरतें अपने ख़ानदान में भी ये बात से हिंचचाती होंगी कि मैं इस वक्त शादी करना चाहती हूँ या मैं इस बंदे से शादी करना चाहती हूँ हाँ कुछ और हैं जो खुल के बहादुर लड़कियाँ हैं वो फाइट भी कर रही बिल्कुल आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हम किस तरह कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस पर हम किस तरह इसकी इसके बारे में ये थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं कि अगर फॉर देट मैटर तो मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव ले और इस डर से ना ले रहा हो कि आगे से इनकार हो जाए वो मर्द या औरत हो दैट्स ओके okay. किसी ने ना कहे ना उनका उनकी चॉइस है उससे right. आ, आपके आपकी कोई इज्जत में फ़र्क नहीं आना चाहिए बट एट लीज़ आप अपना चांस तो ले सकते हैं right. तो लेकिन स्पेसिफिकली औरतों की बात करते हुए और अगर आप कभी ऐसा हो और आप करें तो आप क्या पब्लिकली शेयर करेंगी टू गिव करेज टू अदर वेमेन अच्छा आई आंसर दिस वेरी केयरफुली बिकॉज फर्स्टली मुझे लगता है कि दीज क्वेश्चन और वेवर सोशल इशूज और सोसाइटल इशूज दैट वी डिस्कस आर नॉट अबाउट मी एंड यू

और चाहे वो फिर उसमें आप डिस्कशन uh, करें अबाउट एनी इशू दैट वी रिप्रेजेंट इन आर प्रोजेक्ट्स वेदर यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म वेदर यू यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग अंडर द सन और कुछ एक पैटर्न हैं जो फॉलो हो रहे हैं बहुत सारे सालों से uh, मुझे लगता है कि वो पैटर्न अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रहे हैं और ये कोई uh, ये कोई इट्स इट्स नॉट अ नॉट अ झगड़ा इट्स नॉट अ लड़ाई बट इट्स ग्रोथ इट्स एवोल्यूशन आप और मैं चीज़ों को समझ रहे हैं Uh, मुझे मेरे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें सिखाई जो शायद उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाई मेरी मॉम ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी जो शायद उनकी ज़िंदगी में मिसिंग थी mm. um, और शायद जो उनकी जिंदगी में स्ट्रेंथ थी उनका एक मल्टीप्लाइड वर्जन उन्होंने मुझे दिया सो आई फील लाइक इट्स अ जेनरेशनल थिंग एंड एंड टू कम बैक टू वर्ड यू सैड आई फील वो भी जेंडर रोल्स की डिविजन में कहीं मिसक्रूव um, था कि ओनली अ गाय कैन If that that's your question yeah. right yeah. ki ek ladka hi propose Haan, kar sakta exactly. hai hai ki do log matlab do log dekh rahe the but wo ek expectation hogi ki bahut kam cases mein ne dikha hai ki ladkiyan khud jaake ha to wo hmm. pehle to hum us process mein se guzre hain na jahan pe jis tarah sabat mein there was a very तो मुझे लगता है कि ये जो जेंडर डिविजन और कॉन्वर्सेशन है उसको बहुत ह्यूमन लेवल पर डिस्कस करने की ज़रूरत है